तो चलिए, कल तक अपन यहाँ पहुँच गए थे, है ना। हमने देख लिया था कि आमने सामने वाली प्लेट्स में सिग्मा की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, और आमने सामने वाली प्लेट का अगर एरिया बराबर है तो चार्ज भी बराबर हो जाएगा। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए लिखिए, फेसिंग सर्फेसेस विल हैव, फेसिंग सर्फेसेस विल हैव, फेसिंग सर्फेसेस विल हैव, फेसिंग सर्फेसेस विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी एंड इफ देयर एरियाज आर इक्वल, एंड इफ देयर एरियाज आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल देन चार्जेस ऑन द सरफेस, चार्जेस ऑन द सरफेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, आर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या था? फेसिंग सरफेसेस विल हैव, फेसिंग सरफेसेस विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी एंड इफ देयर एरियाज आर इक्वल, इफ देयर एरियाज आर इक्वल दे विल हैव, दे विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चार्ज डेंसिटी ऑफ, चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट, ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बाय टू, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बाय टू। तो लेट्स स्टार्ट, और काफ़ी मज़ा आएगा। जो पॉइंट्स अपन ने लिखे ना, उसको बस दिमाग में रखना, अभी धड़ 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 खूब सारे कर लेंगे अपन। तो ये लिया, दिस इज़ वन प्लेट, अनादर प्लेट, अनादर प्लेट, अनादर प्लेट एंड वन अनादर प्लेट। लेट से यहाँ चार्ज है क्यू, लेट से यहाँ चार्ज है टू क्यू, लेट से यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, लेट से यहाँ चार्ज है फाइव क्यू, और ये यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू। तो पांच प्लेट हैं, हमें देखना है सभी प्लेट पर चार्ज क्या आया होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो ये क्या है? आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट प्लेट की है ना, आप देख सकते हो अपने जो प्लेट्स हैं उसके आउटर मोस्ट में बना हुआ, एकदम लेफ्ट हैंड साइड वाला और ये एकदम राइट हैंड साइड वाला। तो बताइए क्या लिखा जाए, इसका चार्ज क्या होगा? कितना होगा? हाँ कितना होगा बोलो। अरे चार्ज बता भाई इधर, क्या सर क्या इस पर चार्ज कितना आया? थ्री क्यू। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ का जो चार्ज बनेगा, अभी एरिया में अज्यूम करते कर चल रहा हूँ कि बराबर है, तो चार्ज डेंसिटी और एरिया का सेम रिलेशन बनेगा। तो चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टू,
तो टोटल चार्ज देखा जाए तो ये है क्यू, दूसरी प्लेट का है 2q, तीसरी प्लेट का है -q, चौथी प्लेट का है 5q एंड छठी प्लेट का है -q डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ चुका है क्यू 2q, 3q बन गया, 3q माइनस क्यू 2q बन गया, और ये आ चुका है 4q, तो ये आ चुका है 6q बाय 2 एंड दिस इज 3q एंड दिस इज 3q। तो इसका मतलब यहाँ का चार्ज बन चुका है दिस इज 3q। इधर बताओ 3q बनेगा, सेम फंडा, आउटर मोस्ट प्लेट है उसकी भी आउटर मोस्ट सरफेस है, तो यहाँ 3q बन जाएगा। चलिए यहाँ बताइए, हाँ टोटल चार्ज ऑफ दिस प्लेट इज कंजर्व, क्यू चार्ज तो क्यू चार्ज रहेगा, तो अगर इधर 3q आया तो यहाँ पर -2q आना पड़ेगा, इसका बताइए। पहला पॉइंट ही लिखा था यार, जल्दी बताओ ऐसे क्या करते, 2q सामने आमने सामने वाली प्लेट की चार्ज डेंसिटी बराबर और एरिया बराबर अगर होगा तो चार्ज भी बराबर हो जाएगा, इक्वल टू ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो यहाँ पर 2q था, 2q का 2q इधर आ गया, इसका मतलब इधर कितना होगा बोलो, जीरो। तो आमने सामने वाली का क्या होता है बोलो, सेम एंड ऑपोजिट, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ बोलो -0, तो इधर +q 4q, और यहाँ पर हो जाएगा -4q। तो आप देख सकते हो -4q और 3q मिलके ऑटोमेटिकली -q आ गया, तो इसका मतलब जो हमने ये 3q लिखा था बिल्कुल सही लिखा है, हमारे सारे चार्जेस बिल्कुल चकाचक सही बन चुके हैं, समझे क्या? जल्दी से नोट करो, अब अरे यार तो बहुत स्लो लिखता है यार, नहीं, स्क्रीनशॉट मत लो, कोशिश करो साथ के साथ लिखें, अब बाय चांस स्क्रीनशॉट लेना पड़े तो ले। डन 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 डन, चलिए। हाँ तो अब तो मैंने काफ़ी सिंपल लिया था कि सभी प्लेट अलग अलग थी, सभी यहाँ पर कोई संबंध नहीं था इनका आपस में, अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, खिलवाड़ करता हूँ इनके साथ। तो ये देखो एक प्लेट, दूसरी प्लेट और ये तीसरी प्लेट, ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो मैं तीन से कंक्लूजन ड्रॉ कर लूँगा, फिर उसके आगे का काम तुम करोगे, मैं ज़्यादा जब सवाल लूँगा ना तो तुम्हें दे दूँगा। तो ये मैंने क्या किया, मतलब प्लेट यहाँ पर है, हरी हरी प्लेट है और ये येलो येलो वायर है, तो इसको जोड़ने से पहले यहाँ देखा तो ये क्यू था, ये 2q था और ये 3q था, ठीक है, कनेक्ट करने से पहले लिया गया है, तो ले सकता हूँ बिफोर कनेक्टिंग द वायर, बिफोर कनेक्टिंग द वायर चार्जेस आर शोन, चार्जेस ऑफ प्लेट आर शोन, तो पूछा गया है फाइंड व्हेन वायर इज कनेक्टेड, इज जॉइंड या कनेक्टेड लिख दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सरफेस। अब हमने जो पिछला कंक्लूजन ड्रॉ किया था उसमें कोई वायर वगैरह नहीं थी, अब यहाँ वायर आ गई, तो बिल्कुल बेसिक फंडे से चलना पड़ेगा एंड निकालना पड़ेगा, फिर हम देख लेंगे कि क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कि पहले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो व्हेन वायर इज जॉइंड फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सरफेस, ईच सरफेस, ठीक है। तो चलिए एक बार आप कोशिश करिए, और किस फंडे के बेसिस पर कोशिश करेंगे सोचना, पहले तो अपन प्लेट को मोटा बना देते हैं, है ना, प्लेट को मोटा बना देते हैं, दूसरी बात क्या कर लेते हैं, गॉशियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं सिलेंड्रिकल वाली, तो उसमें गॉशियन सरफेस में बताओ फ्लक्स कितना बनेगा, जीरो, तो क्यू इन कितना बनेगा, जीरो, इसका मतलब उसके अंदर फंसा हुआ चार्ज जीरो, इसका मतलब आमने सामने वाली प्लेट में सिग्मा इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो ये तो मैंने कंक्लूजन तुम्हारे लिए पहले ही कर दिया, अब दूसरा स्टेप है कि अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चार्ज आएगा आउटर मोस्ट पर, है ना, आउटर मोस्ट पर क्या चार्ज आएगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर जो नई बनी हुई है वो है हमने वायर जोड़ दी,
अब वायर कनेक्ट कर दिए तो वायर चार्ज को फ्लो करवा सकती है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। तो जब ये फ्लो करवा सकती है, करवाएगी, कब तक चार्ज फ्लो करेंगे बताइए? पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका मतलब प्लेट नंबर वन, इसको प्लेट नंबर टू बोला, इसको प्लेट नंबर थ्री बोला, तो मैं कह सकता हूँ प्लेट नंबर वन और थ्री का पोटेंशियल सेम या वन और थ्री के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल या तो सेम हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया जाए तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो मैंने कहा ना, इससे भी एक इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास अभी 8:42 है, 8:45 पे मैं शुरू करूंगा, तो आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ सोचने का। ये लेफ्ट साइड में क्यू है, बीच वाले में 2Q और राइट साइड में 3Q, तीन प्लेट हैं, क्यू 2Q 3Q, लेफ्ट में क्यू, बीच में 2Q एंड राइट हैंड साइड में 3Q। अरे यार क्या चाहिए, वो लैंग्वेज लिखना है क्या? कुछ तो बोल भाई, एक मिनट ले तो। डन। चलिए अभी टाइम है आपका, नीचे जा रहा हूँ। ये डायग्राम में किसकी बात कर रहा है, ए चार्ज की बात कर रहा है क्या? सी बोला ना इसको, सी सी कहते हैं। अरे ये सी सी की बात कर रहा है ना, इसी चार्ज की बात कर रहा है ना। अच्छा 5Q+B होगा, अच्छा ये कह रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी बात करते हैं, डोंट वरी अभी बात करते हैं ना। अभी तो मैंने लिखा है, हो सकता है गलत हो सकता है, तो अपन बात करेंगे और ठीक कर लेंगे उसे अगर गलत होता है तो।
चलिए 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 हो गया, बताइए ए बी सी डी कुछ की जो वैल्यू आ रही है, मैंने यहाँ पर कोशिश करी है, इसको ए से इंडिकेट कर दिया, इसको बी से कर दिया, तो ये सामने वाला माइनस बी हो जाएगा। सामने वाला माइनस बी प्रूव करूँ या समझ में आ चुका है? आ गया ना, ठीक है। अब देखिए इसका चार्ज 2q था, इसका चार्ज 2q था, यहाँ माइनस बी आया, तो टोटल चार्ज मुझे 2q रखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखो 2q प्लस बी कर दिया, तो ताकि दोनों का मिला के 2q बन जाए। फिर अगर यहाँ 2q प्लस बी, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 2q प्लस बी बनेगा। एंड अगर मैंने मान लिया यहाँ पर मुझे पता नहीं, मैंने सी लिख दिया, तो अब देखते हैं यहाँ पर वायर कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज पहले क्यू था, तो क्या बाद का भी क्यू बना रहेगा? इस बात की श्योरिटी है क्या हमारे पास? बिल्कुल से। इसी तरह से यहाँ पर 2q था, 3q था, तो क्या बाद में भी 3q बना रहेगा? अपने को मालूम है क्या ऐसा कुछ? नहीं, चार्ज फ्लो कर सकता है, मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, कहीं और जुड़ी हुई है क्या? नहीं जुड़ी हुई, तो इनका जो चार्ज आपस में ज़रूर जा सकता है, लेकिन कहीं उड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो आई कैन से दैट कि इसका जो नेट चार्ज है वो पहले जितना था और बाद में जितना था वो सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन प्लेट नंबर 1 और 3 के लिए। तो प्लेट नंबर 1 की बात करते हैं, तो वो कितना हो गया ए प्लस बी, इसका चार्ज आ चुका है ए प्लस बी। प्लेट नंबर 3 की बात करते हैं, तो वो कितना आ चुका है माइनस ऑफ 2q प्लस बी, माइनस ऑफ 2q प्लस बी, और दूसरी प्लेट पे आ चुका है सी, और वो कितना होना चाहिए बोलो, क्यू प्लस 3q यानी कि 4q। तो अब देखते हैं कि जो कट सकता है काट लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस बी है, ये प्लस बी है, ख़त्म। और यहाँ से आ गया ए प्लस सी माइनस 2q इज़ इक्वल्स टू 4q, तो इसका मतलब ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 6q, यही आ गया, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 6q आ चुका है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अभी वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए बी और सी, तो एक इक्वेशन है, वेरिएबल है 3, दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी और तीसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, है ना, वेरिएबल बराबर और इक्वेशन बराबर करनी पड़ेगी। तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या लिखें, यार कम से कम पिछली बार जो किया था वही कर लेते हैं, क्या करें? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, ऐसे बोल के कैसे चलेगा बाबा, यार वो तो कर दो, कम से कम वो तो कर दो जो पिछली बार किया था जब वायर नहीं जोड़ी थी। एक तो मैंने ये कर लिया था चार्ज कंजर्वेशन वगैरह जो कुछ भी था, दूसरा क्या 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 सही बोल रहा है, दोबारा बोल, सेकंड, नहीं नहीं दूसरा, दूसरा बंदा दूसरा क्या बोल रहा था, ई बी, ए बी की वैल्यू कैसे निकालेगा? नहीं यार, ये मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इस पॉइंट पर बनने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगी, इस पॉइंट पर बनने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आप पीछे पलट के देख लो, पहले भी ये काम कर चुके हैं अपन चार्जेस निकालने के लिए, तो कम से कम वो तो कर लो ना जो कर रखा है, नया आइडिया तो रहने दो, पुराना तो कर लो कम से कम, गधों। बी की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है, पहले तो ये बताओ करना कैसे है ना, वैल्यू वैल्यू तो छोड़ो, बी की वैल्यू क्यू माइनस ए लिख दें, है ना, गधा कहीं का, बताइए क्या लिखा है, ये वाली इक्वेशन क्या लिखी है? अरे बोलना अब, अरे यार बी की वैल्यू क्यू माइनस ए तब लिखता जब यहां वायर जुड़ी हुई नहीं होती, अभी वायर जुड़ गई तो यहाँ का चार्ज क्यू बचेगा नहीं बचेगा तेरे को कैसे पता, क्यू कम हो गया क्यू ज़्यादा हो गया, आई डोंट नो ना, चार्ज आ सकता है चार्ज जा सकता है, बोल, है ना, नहीं समझा क्या अभी भी, समझा ना। चल अब मैं बात करते हैं इस पॉइंट की, है ना,
तो इस पॉइंट पे हम क्या लेंगे कि सभी को पॉजिटिव चार्ज मानते हुए ले रहे हैं। तो चलो देखो, ए को मैंने पॉजिटिव चार्ज मानते हुए लिखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से इस पॉइंट पर कहाँ बनेगी, लेफ्ट में कि राइट में? अरे बोलो यार, राइट में बनेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इधर बना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। अच्छा, बी की वजह से बताओ कहाँ बनेगी इस पॉइंट पर, लेफ्ट में बनेगी। तो ये लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अच्छा बताओ माइनस बी की वजह से कहाँ बनेगी, राइट में। राइट में यार, बी की वजह से लेफ्ट में बोला तो माइनस बी की वजह से राइट में बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है अपने को। अब बताओ 2q+b की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q+b। अच्छा बताओ -2q+b की वजह से, बोलो, राइट में बन गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q+b, ये भी लिख दिया। अब बचा कौन, सी। सो सी की वजह से बताओ क्या बनेगी, लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। अब देखो चमत्कार करते हैं, यहाँ देखना लेफ्ट हैंड साइड में ई बी, राइट हैंड साइड में ई माइनस बी, मतलब खत्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q+b, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q+b, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बेचारे तो मरने वाले। तो बचेगा कौन, मात्र और मात्र ई ए, और मात्र ई सी, और दोनों मिला के 0 होने चाहिए। इसका मतलब ए बराबर सी होना चाहिए। बोलो, फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर ई बी है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर ई माइनस बी है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं चार्जेस भी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो खलास कर देंगे एक दूसरे को। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू 2q+b और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q+b इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, तो खत्म हो गए। इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर, ये वाले जो हैं, ये जो खत्म हो चुके हैं आपस में, बचा कौन, मात्र और मात्र ई ए, मात्र और मात्र ई सी, और दोनों का मिला के 0 हो जाना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल इज इक्वल टू 0, और इन 6 टर्म्स को लिखूँ या 2 से काम हो जाएगा, है ना? कई बार ऐसा हो सकता है। देखो वैसे तो ई ए ई बी ये सब लिखना चाहिए मेरे को, लेकिन मैं कहूँ तुम्हें पहले ही बता दिया भाई खत्म होने वाले हैं, तो क्यों मुझसे मेहनत करवा रहे हो, या लिखूँ क्या, बोलो, है ना? तो मैं लिख सकता हूँ कि ई ए राइट हैंड साइड में माइनस ई सी लेफ्ट हैंड साइड में शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, वो क्या लिखा जाएगा, चार्ज ए अपॉन एरिया, ये तो मैंने सिग्मा लिख लिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने ई ए लिख दिया। माइनस ई सी अगर लिखा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा, बोलो, अब तुम बताओगे। बिल्कुल सही, सी बाय ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी 0। तो यहां से देखना, ए ए खत्म, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो यहां से आ गया ए बराबर सी आ गया। चलिए, एक इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी इक्वेशन हमारी बन चुकी है, एक और इक्वेशन चाहिए, क्या करें, किसी दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करके देख लेते हैं। चलिए यहां चेक करते हैं, और तुम बताओ कि उससे क्या फायदा होगा या नहीं होगा, खुद सोचो, अपने आप ही आइडिया लग जाएगा, मतलब लग जाना चाहिए। वहां पर यहां से भी क्या कंक्लूजन आ जाएगा, बोलो, सेम आ जाने वाला है। बी और माइनस बी यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, 2q+b और -2q+b एक दूसरे को आपस में ख़त्म कर लेंगे, तो बचेगा कौन, सिर्फ ए, और बचेगा कौन, सिर्फ सी। तो वो यही रिलेशन आने वाला है। बोलो, 2-4 लोगों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही, या मर तो नहीं गए? अरे भाई, थोड़ा जोश लाओ, कितने अभी तो तुम जवान हो, बूढ़े हो गए क्या? तो चलिए अब बात करते हैं नंबर प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 के बीच में क्या संबंध है, ये बताओ। पोटेंशियल का डिफ सेम है, तो पोटेंशियल का संबंध के बारे में सोचिए। पोटेंशियल क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी।
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी। अच्छा एक चीज़ तो मैं देना ही भूल गया, सॉरी। हाँ लेकिन तुम लोगों ने वैसे भी नहीं पहुँचना था। हाँ वैसे भी तुम लोग तो वैसे पहुँचे ही नहीं थे वहाँ तक, तो ये अच्छा बेटा ये दूरी भी डी दे रखा है और ये दूरी भी डी दे रखा है, ये दूरी भी डी दे रखा है, ठीक है। तो अब हमसे कहा गया है तो कि कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि वन और थ्री का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब वन एंड थ्री के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस शून्य होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे पोटेंशियल लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है। तो सिंस ये सभी फील्ड्स यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट शीट्स हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट के फंडे से। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं चलना शुरू करता हूँ कि ये पोटेंशियल मैंने लिख दिया वी वन, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया पोटेंशियल ऑफ ये जो है वन को वी वन लिख दिया। फिर मैं इससे राइट हैंड साइड में मूव करता हूँ, यहाँ से इस प्लेट से नंबर टू वाली प्लेट की तरफ जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाई जाएगी, इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाई जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई गई तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो कितनी बनी हुई है उसे फाइंड करने की। तो थोड़ा सा मैं ओरली करूँगा ताकि शॉर्टकट हो जाए, कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखिए 2q प्लस बी और माइनस ऑफ 2q प्लस बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर 2q प्लस बी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, 2q प्लस बी की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 2q प्लस बी की वजह से राइट हैंड साइड में। अच्छा एक और अपना रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका है कि ए बराबर सी है, तो मैं कह सकता हूं ए की वजह से राइट हैंड साइड में फील्ड शुड बी इक्वल टू सी की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में फील्ड, तो वो भी खलास हो गया। बचा कौन आप बताओ, बी और माइनस बी बचा हुआ है, क्या इन दोनों की खलास हो रही है, क्या नहीं हो रही, ऐड हो रही है। बी की वजह से राइट में बन जाएगा बिकॉज बी को हमने पॉजिटिव चार्ज लेते हुए लिखना है, तो राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस बी की वजह से क्या बनेगा, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, और उसकी वैल्यू अगर लिखें तो वो बन चुका है बी अपॉन एरिया, ये तो सिग्मा लिखा, डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से दूसरी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो भी इतना ही बना, बी अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। सर माइनस बी क्यों नहीं लिखा आपने, हाँ वो माइनस प्लस तो डायरेक्शन से पता लगता है, तो डायरेक्शन तो ऐड हो गई है, तो अपना माइनस बी मैंने इसमें कंसिडर कर लिया है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ता कि कम होता, कम होता है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर इतना मैं डी डिस्टेंस ट्रैवल किया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी डी, समझे। अरे डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा इनटू डी कर दिया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा इसका पोटेंशियल कितना था, वी वन था, इसका पोटेंशियल क्या था, वी वन हमने मान लिया, तो राइट हैंड साइड में मूव किया तो पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब टू पर पहुँचते पहुँचते पोटेंशियल कम हुआ है, किस में से, वी वन में से, कितना कम हुआ, इतना कम हुआ। तो टू का पोटेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख लो आप, ये चीज़ जो बनी है ये टू का पोटेंशियल लिखी हुई है इस ब्रैकेट के अंदर का माल, समझे क्या, देख लो समझ लो बोलो। तो अब टू से थ्री तक पहुंचते हैं, तो मैं टू से थ्री तक बीच में देखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो बताओ ए और सी आपस में खल्लास होंगे क्या, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, ए की वजह से राइट में, सी की वजह से लेफ्ट में, तो खल्लास कर देगा। अब बताओ बी और माइनस बी की वजह से, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बी की वजह से राइट में, माइनस बी की वजह से लेफ्ट में, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो बचता कौन है, टू क्यू प्लस बी और माइनस टू क्यू प्लस बी, क्या ये दोनों भी खलास हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो हमने पोटेंशियल लिखा हुआ है टू का, ये तो टू का पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ से टू से थ्री पे जंप करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में पाई गई तो पोटेंशियल बढ़ता हुआ पाया गया या कम होता हुआ पाया गया,
कम होता हुआ पाया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, वो बनी 2q+b अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय 2 ε0। इसी तरीके से दूसरे की भी बनी 2q+b डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय 2 ε0। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इनटू डी कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बना। तो 2 का पोटेंशियल कहाँ लिखा हुआ था, ये पूरा ब्रैकेट का मसाला, माइनस कर दूंगा इतना तो कहाँ पहुंच गए बताओ, ये पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए V3 के बराबर, है ना। अभी एक मिनट हो जाए, एक स्टेप खा मत अभी, ये होना चाहिए V3 के बराबर होना चाहिए, समझे क्या, पूरी एकदम बात बताता हूँ। V1 से चले V2 तक तो पोटेंशियल हमने लिख दिया डिफरेंस कितना आया, फिर V2 से 2 से हम चले 3 तक तो हमने इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया यहाँ पर, और वो मिला जुला के कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम 3 तक पहुँच चुके हैं, तो वो कितना हो जाना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ 3 लिख देना चाहिए, समझे क्या बोलो। तो अब यहाँ पर हुआ, और सिंस हमें पता है, सिंस V1 बराबर V3 है एज दे आर कनेक्टेड, तो मैं लिख सकता हूँ कि इधर V1 लिखा, अगले पेज पे चलते हैं एक मिनट ना, यहाँ से आ गया V1 माइनस, ये आ चुका है देखना B बाय A, तो ये 2B बाय A बन जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब B/E ε0 बन चुका है, इंटू डी कर दिया मैंने, B/A 2B/A, नीचे भी 2 था तो 2 से 2 खलास, तो बचा कितना B/A ε0, और मल्टीप्लाइड में क्या था, D था। माइनस इधर क्या लिखूँ बोलो, इस वाले ब्रैकेट का क्या लिखूँ, बोलो बिल्कुल सही, मल्टीप्लाइड में भी कुछ होगा, डी शुड बी इक्वल टू व्हाट, V3, और V3 को मैंने एकदम पूरे जोश के साथ में V1 लिख दिया। तो देखना इधर है V1, इधर है V1, खलास, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से मतलब माइनस और माइनस कॉमन लेके हटा दो ना, जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो क्या मेरी बात, B/A ε0 इंटू डी प्लस 2q+b D/A ε0 बराबर जीरो। तो फिर से जो कॉमन चीज़ें हैं खलास करते हैं, तो A ε0 खलास, D खलास, तो यहाँ से आ गया B 2q+b बराबर जीरो, तो यहाँ से आ चुका है 2b बराबर -2q, हैंस b इज इक्वल्स टू -q, हैंस b इज इक्वल्स टू -q, इसका मतलब हमारे पास चार्ज आ चुका है b वाला, तो आ गया ठीक है, और b वाला चार्ज आ गया, इसका मतलब ये वाला चार्ज आ चुका है ना, ये वाला चार्ज आ चुका है। तो अब यहाँ कोशिश करते हैं इक्वेशन 1 में डालने की, अच्छा यहाँ तो ख़त्म हो गया था ना, A+C बराबर 6q आ गया था, अब क्या करें, अच्छा चलो एक मिनट प्लेट बना लेते हैं, तब अपना काम हो जाएगा। अच्छा हाँ वो आ गया था ना, अरे वो तो आ गया, ए और सी की तो वैल्यू ही आ गई, ओफ ओ, कितना दिमागी काम नहीं कर रहा बताओ, उम्र हो गई मेरी लगता है ना तू बहुत खुश हो रहा है मेरे बूढ़े होने से तो ए देखो, ए और सी तो बराबर आ गए, तो यहाँ से ए और सी की वैल्यू 3q और 3q आ गई बोलो, तो यहाँ से मैं सीधा अब लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इधर आ गया है 3q और इधर आ चुका है 3q। अब बात करते हैं बी कौन सा लिया था मैंने, बी यहाँ लिया तो आप देख लो बी की वैल्यू -q आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज -q, तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज +q, यहाँ पर चार्ज 2q तो टोटल था, तो 2q-q यानी कि q बन जाएगा, तो यहाँ का चार्ज
माइनस क्यू बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फुल एंड फाइनल बन चुका है। आमने सामने वाली प्लेट में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। आउटर मोस्ट प्लेट की आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज टोटल चार्ज बाय टू नहीं है, है क्या? है, यहाँ पर है q, यहाँ पर था 2q, यहाँ पे था 3q, कितना था 6q, 6q बाय 2 करोगे तो 3q आ गया, 6q बाय 2 करोगे तो 3q आ गया। इसका मतलब वायर कनेक्ट कर दो या नहीं करो कोई लोड नहीं है, अपने पास यहाँ का चार्ज जो होगा वो हमेशा बना रहेगा, टोटल चार्ज बाय 2 बना रहेगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज बाय 2 कर देंगे तो यहाँ 3q आ गया, यहाँ 3q आ गया, और फिर बाकी तो अपन कर ही लेंगे। आसपास की आमने सामने की प्लेट्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आमने सामने वाली प्लेट्स में इक्वल एंड ऑपोजिट बनने वाला है। ये नोट कर लिया कि करना है? बोलो, करो 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 करो, ये कर लिया? नीचे जाऊं? बोलो बोलो, डन। स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत स्लो कर रहे हो यार। डन। चलिए शुरू करते हैं अगला। तो ये काम आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। और ये है ना, तीन प्लेट्स का तो मैंने कर दिया, अब थोड़ा ये तुम करके देखना कि इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। कनेक्ट करने से पहले का चार्ज इधर कर दिया मैंने, Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q। ये घर से करना और बताना क्या होता है। टोटल चार्ज वो पता नहीं ना, करो तुम। वैसे तो होना चाहिए टोटल चार्ज बाई टू ही होगा, डोंट वरी, बट फिर भी करो, है ना। आमने सामने वाली तो इक्वल एंड ऑपोजिट बन जाएगा, है ना। आमने सामने वाली तो इक्वल एंड ऑपोजिट बन जाएगा। एंड अभी इस प्लेट्स में देखना कि ये बाहर वाली में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, मैंने आपको सारे फंडे बता दिए कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। इसमें हम यही चीज़ करेंगे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। दूसरा है आमने सामने वाले के लिए फेसिंग सरफेसेस में, फेसिंग सरफेसेस का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट, चार्ज डेंसिटी, चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, हाँ रे हाँ, डिस्टेंस भी सेम, एरिया इज इक्वल इक्वल एंड ऑपोजिट। तेरा इसी वजह से रुक रहा होगा ना, डिस्टेंस की वजह से, है ना, तेरा इसी वजह से रुक रहा होगा, डिस्टेंस नहीं दिया इसलिए, नहीं तो अब तक तो कर देता तू। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, फेसिंग हो गया, और तीसरा है कि जो कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड प्लेट्स, कनेक्टेड प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो। ये तीन फंडे हैं जो आपकी हमेशा मदद करेंगे और चार्जेस निकालने में आपको हेल्प करेंगे, जहाँ पर भी फंस जाए बाय चांस, आपको कोई डाउट हो रहा है कि कैसे करना है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए, शॉर्टकट वैसे तो वो बता ही दिया मैंने,
लेकिन एक वो ये रहा ना कि टोटल चार्ज बाई टू, टोटल चार्ज बाई टू करना है और आमने सामने वाली प्लेट्स बराबर करनी है, तो थोड़ी हेल्प करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो ये वाला अपन ने किया था, ये रहा, एक मिनट रुक जा। अरे ये पॉसिबिलिटी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक बार सॉल्व करो फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, कैसा कर सकते हैं कैसा नहीं कर। एकदम फंडामेंटल तो स्ट्रांग करो ना यार, ABCD के बिना अंग्रेजी कैसे बोलोगे, है ना। तो मेरा पर्पस ये है कि पहले ABCD तो बता दूं, तब जाके तो ट्रिक के बारे में बात करेंगे, नहीं करें पता लगे ट्रिक कर ली फिर बाद में वो उसकी कंडीशन तुम्हें पता ना हो कि ट्रिक कहाँ लगानी है कहीं नहीं लगानी, तो सब जगह लगाते फिर रहे हो, लगाते फिर रहे हो और सर को गालियाँ दे रहे हो, अरे सर आपसे तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर हमें पता था कि भाई कोई कनेक्टेड नहीं हो तो हमने लोड नहीं लेना, टोटल चार्ज बाय टू यहाँ पर, टोटल चार्ज बाय टू यहाँ पर, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंजर्वेशन के बेसिस पर कर दिया कि यहाँ पर क्यू था, इधर टू थ्री क्यू आ गया तो इधर माइनस टू क्यू होना चाहिए, इधर माइनस टू क्यू तो इधर प्लस टू क्यू होना चाहिए। लेकिन जब वायर कनेक्ट कर दी तो सिचुएशन अलग हो चुकी है ना, अभी तो वायर मैंने क्या करी थी, आउटर मोस्ट प्लेट में करी थी, वायर मैंने अभी कनेक्ट कैसे करी, आउटर मोस्ट प्लेट पर करी। अभी इसमें मैंने कैसे किया, अभी इसमें और इसमें करी है और प्लेट एक बाहर बची हुई है, अब मुझे नहीं पता इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एकदम फंडामेंटली करो, अपने ABCD स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद में अंग्रेजी की बात करेंगे अपन। बोलो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तक तो समझ में आया क्या बोल रहा है, उसके बाद तेरी हूँ ऐसा लगा मेरे को बस। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या लिखा जाएगा, मतलब आवाज़ नहीं आ रही मुझे, V3 लिखा था बिल्कुल। हाँ आ, 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 मतलब इधर मैंने लिखा, ये V1 लिखा और इस साइड में V3 लिखा, अब क्या डाउट है बोल रहे हैं। V1 माइनस V1 इक्वल्स टू V3 कैसे आया, ये बोल रहा है क्या। फिर हाँ, पहली प्लेट का V1 माना, फिर दूसरी का निकाल लिया, दूसरी से तीसरी का निकाल लिया, हाँ इक्वल्स टू V3 आया। हाँ वो कैसे आया, चलो देखो इसलिए मैं ट्रिक नहीं बताता। ये देखो डेल्टा V क्या है, E इंटू डी था, क्या था, E इंटू डी था, ये तो समझ में आता है बोल। अरे बोलना, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो मैं राइट हैंड साइड में गया तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना पोटेंशियल कम हुआ, तो मैंने देखा इसका V1 माना तो राइट हैंड साइड में जाने से कितना कम हुआ, इतना कम हो गया, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस के साथ में लिख दिया। तो इसका मतलब इतना डिफरेंस लिखा जाए तो ये V2 का पोटेंशियल आ गया, और इससे यहाँ पर पहुँचे तो कुछ पोटेंशियल और कम हो गया, कितना कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी, और वो कहाँ पहुँच गए, हम V3 तक पहुँच गए, तो ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिखा वो आ गया V3। ओके तो हाँ अच्छा, इसकी दूरियाँ सबकी डी डी कर देना, फिर बाद में मत बोलना दूरी नहीं दी आपने, ये डी 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 है ना, सबकी दूरी डी कर दो आप, ये दूरी डी, ये दूरी डी, एंड हाँ एरिया सेम, एरिया सेम कर देना और ये दूरी डी ले लेना। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिए, चार्जेस निकाल लिए, और फंडा समझ जाएगा, आप भी कर लोगे, इसको देख के डरो मत, प्लांच प्लेट कर दिए तो कैसे करें, बहुत आसान है ना, कर लोगे खुद। तो इसी के साथ में हमारा मोस्ट ऑफ द क्या कंप्लीट अपना हो चुका है समाप्त, पिछला सवाल कर लोगे तुम, इलेक्ट्रोस्टैट्स समाप्त हो चुका है ना, पिछला सवाल जो अभी दिया था वो खुद से कर लेना, नहीं होता है तो पूछ लेना। एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा सा मैं सीक्वेंस आपको याद दिलाता था हूँ जिसकी मदद से हमने किया था, ऐसे दिमाग में अगर फिट कर लोगे ना इस तरह से कहानी की तरह, तो आपको फॉर्मूलेज याद करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, कूलांस फोर्स देखा था, कूलांस फोर्स कितना आ गया था बोलो, K Q1 Q2 / R² आ गया था, K Q1 Q2 / R² आ गया था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था बोलो, K Q / R² आ गया था। फिर उसके बाद में मैंने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से देखा था, कितना आ गया था, 2K λ/R आ गया था। फिर उसके बाद में मैंने एक रिंग की वजह से देखा था, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सेंटर पे बोलो, 2K λ/R sin θ/2, थीटा क्या है,
वो आर्क ने कितना एंगल बनाया सेंटर पर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद में गॉस लॉ, और गॉस लॉ का एप्लीकेशन हमने देखा था। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमें गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी तो हम ऐसी सरफेस बनाएंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन अगर आसान करनी है तो मैं ऐसे एरिया चूज़ करूँगा जिसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बोलो कितना होना चाहिए, 0 या 90 डिग्री। तो उसके बेसिस पर हमने जो है फिर से पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, लाइन चार्ज की निकाली थी, वो तो सेम ही आ जाती है। फिर उसके बाद में हमने होलोस्फीयर की बात करी थी, होलोस्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, और बाहर में कितना, K³/r². इसी तरीके से फिर उसके बाद में हमने लिखा था सॉलिड स्फीयर के लिए, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बच्चा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड K³r/r³ या ρr/3ε₀, इन दोनों में से जो चाहे करना है लिख दें, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से। ये तो अंदर वाले पॉइंट में, बाहर वाले पॉइंट के लिए K³r², ठीक है। फिर उसके बाद में एक डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, कितना लिखा था बोलो, σ/2ε₀ 1-cos θ। दोबारा बोलो, σ/2ε₀ 1-cos θ। क्या एक को याद करना है क्या, बाकी को क्या बस ऐसे टाइम पास करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, सब लोग बोलो 2ε₀ 1-cos θ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी इन्फाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना था बोलो, σ/2ε₀ बन गया था। फिर उसके बाद में हम कहाँ आ गए थे, पोटेंशियल एनर्जी पर आ गए थे, सेल्फ एनर्जी भी आ गए थे ना, पहले पोटेंशियल एनर्जी फिर पोटेंशियल। तो हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या था, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, ये मैंने Q1 Q2 लिखा था, दोनों के बीच की दूरी r, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बना बोलो, K³Q₂/r। ये आया किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी बनी किस वजह से, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, के मतलब ये Q1 और Q2 अपने आसपास पैदा तो नहीं हुए थे, इनको पास में लाया गया, पास में लाया गया तो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, और वही वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो चुका है। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, क्या किया था, फोर्स बाय चार्ज, उसी तरह से हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर इफेक्ट है चार्ज का अपने सराउंडिंग पर, उसी प्रकार से पोटेंशियल एक स्केलर इफेक्ट है अपने एक चार्ज का अपने सराउंडिंग पर। तो पोटेंशियल हमने देखा था, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बन गया था, कितना आ गया था बोलो, K³/r आ गया था। फिर मैं लेता हूँ होलोस्फीयर के अंदर का पोटेंशियल, K³R, और बाहर वाले पॉइंट के लिए K³r। अच्छा बताओ, सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर का पोटेंशियल बोलो बोलो बोलो, K³2R³ ऊपर, बिल्कुल सही, ऊपर वाले ब्रैकेट में 3r² - r² वापस करता हूँ, K³2R³ ऊपर आएंगे न्यूमरेटर में, फिर 3R² - r² फिर उसके बाद में आते हैं कौन सा आता है बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, तो वो कितना आ जाएगा, K³r आ जाएगा, ठीक है, K³r आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल्फ एनर्जी की बात आती है, तो सेल्फ एनर्जी में मैंने देखा था एक होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी बनी थी बोलो, होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी अरे यार K³² हाँ, सॉलिड स्फीयर की बिल्कुल सही, किसकी ज्यादा है, होलो की या सॉलिड की, सॉलिड की ज्यादा है, क्यों ज्यादा होनी चाहिए थी, चार्जेस रिलेटिवली पास में, चार्जेस होलोस्फीयर के कंपैरिजन में पास में है, तो उसकी सेल्फ एनर्जी ज़्यादा भी होनी चाहिए। नाउ 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बन गया था बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आ गया था, σ²/2ε₀ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बन चुका है, ठीक है, σ²/2ε₀ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बन चुका है। नेक्स्ट 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 हमने डायपोल देखा था,
है ना, डायपोल। डायपोल के लिए हमने देखा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस छोटी दूरी पर रख दिए जाएं तो उसे डायपोल कहा जाता है। डायपोल के एक्चुअल और इक्विटोरियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी लिखी जाएगी, और इक्विटोरियल पॉइंट पर माइनस के पी बाय आर क्यूब। एक्चुअल पर है 2 KP/R³ और इक्विटोरियल पर है -KP/R³। माइनस दिखा रहा है डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अगर मैं लिखता हूँ एक जनरल पॉइंट पर, तो जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रटने की जरूरत नहीं है, बता दो कैसे करना है, मतलब वो रिजल्ट जो आया वो रटने की कोई जरूरत नहीं है। डायपोल के कॉम्पोनेंट्स कर दिए, एक तो वो आर के अलॉन्ग, एक आर के परपेंडिकुलर ले लिया। आर के अलॉन्ग वाले कॉम्पोनेंट की वजह से वो वाला पॉइंट जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल पॉइंट बन जाएगा, और दूसरा वाला जो पी का कॉम्पोनेंट होगा उसके लिए आर पॉइंट इक्वेटोरियल बन जाएगा। फिर दोनों की वजह से निकाल लेंगे और नेट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की वैल्यू बताइए एक्चुअल पॉइंट पर डायपोल की वजह से, के पी बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जीरो बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की दूरी इक्वेटोरियल पॉइंट से बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को खलास कर देंगे तो नेट आ जाएगा जीरो। तो इसके बाद में फिर डायपोल के बाद में क्या पढ़ा पन्ने, बोलो, कंडक्टर। कंडक्टर पढ़ा, कंडक्टर की सबसे खास बात क्या है बताइए, शुरू ही किस पॉइंट से किया था जिस पर मैंने बहुत ध्यान दिया था, हाँ कि चार्जेस होते हैं फ्री टू मूव, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम बात कर रहे हैं तो चार्जेस रुके हुए हैं, चार्ज रुके हुए तो करंट, करंट जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो बनेगी वो जीरो बनेगी। किस बात में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ऐसा नहीं कि चार्ज मूव कर रहे हैं और तुम करे जा रहे हो, है ना, चार्ज तब नहीं होगा, जब चार्जेस रुक गए, जहाँ के जहाँ जाना है वो जा चुके हैं, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वहाँ के सभी पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। फिर मैंने स्टाइल से गॉशियन सरफेस बनाई थी जो अंदर ही अंदर चल रही थी, उस गॉशियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो था, तो फ्लक्स, तो क्यू इन जीरो, तो क्यू इन भी जीरो आ गया। इसका मतलब जो भी चार्ज अगर कंडक्टर को दिया जाएगा वो मात्र और मात्र सरफेस पर जाएगा, अंदर चार्ज नहीं फंस सकता। ये तो हमने देखा था फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मैंने चार्ज को मान लो ऐसे कहीं एक जगह पर रख दिया तो वो फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो वो क्या करेंगे, पास पास आना चाहेंगे या दूर दूर जाना चाहेंगे, दूर दूर जाना चाहेंगे, तो वो सरफेस से ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते, तो वो सरफेस पे अरेंज हो जाएंगे और वो दूर दूर जाके अपनी पोटेंशियल एनर्जी आपस में कम करना चाहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों करना चाहेंगे, वो लोग स्टेबल होने के लिए, कि कोई भी सिस्टम है तो वो स्टेबल होना चाहता है, तो अपने पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द सरफेस कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसको हमने प्रूव किया था एक तो कंजर्वेटिव की मदद से, कि कंजर्वेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द सर्फेस है तो मिला जुला के वो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाना चाहिए था वर्क डन, तो इसका मतलब वो कॉम्पोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो बनेगा। दूसरी बात क्या था, दूसरी बात था, हमने उसका प्रूव किया था कि मान लो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई चार्ज है सरफेस के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो सरफेस के अलॉन्ग मूव कर जाता, लेकिन मुझे पता है कि भाई वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब सरफेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो रही होगी, समझे क्या। हे भगवान, पढ़ाया हुआ है वही बातें बता रहा हूँ वापस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द टेंजेंट कॉम्पोनेंट बन चुका है जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, मात्र और मात्र परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगी, किसके, उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी। इसलिए मैंने क्या बनाया था, जब भी मैंने इस तरह से कोई कंडक्टर बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर बनाई थी, ऐसे परपेंडिकुलर बनाई थी, इस तरह से कुछ बनाई थी। अच्छा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेंगे, बोलो, जीरो, तो इसका मतलब ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने ये कहा था कि कंडक्टर को खुद से छोड़ दिया जाए, यानी कि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, तो चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सच दैट कि जहाँ पर सिग्मा, जहाँ पर रेडियस और कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सच दैट जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। तो इस तरीके से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। फिर उसके बाद में हमने देखा था कैविटी, कैविटी खेला था कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर चार्ज क्यू है, तो क्यू के बाद में यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। बताइए ये माइनस क्यू यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, स्फेरिकल कैविटी है,
सेंटर पर क्यू चार्ज था, यूनिफॉर्म बन जाएगा, और ये क्यू जो बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। अच्छा बताइए, इस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्यू और माइनस क्यू का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्या? क्या क्यू, इस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस सरफेस पर क्यू और माइनस क्यू का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्या, कोई इन्फ्लुएंस होगा क्या? नहीं होगा। आप देख सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर नहीं जाएगी, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर नहीं जाने वाली है। इसी तरीके से क्यू चार्ज की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आने वाली है। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाएगी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाएगी, तो वो क्या बोला जाता है, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है ना। फिर उसके बाद में हम कहाँ आ गए थे, कैविटी, कैविटी खेल लिया था। फिर उसके बाद में हमने स्फेरिकल बॉडी में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो कैसे बनती है। तो स्फेरिकल बॉडी हमने लिया या तो शेल, और दूसरा हमने ले लिया सॉलिड स्फीयर। तो दोनों में हमने देखा कि चार्जेस अगर सेम कर दिए जाए, रेडियस अगर सेम कर दी जाए, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी बन जाती है, ज़ीरो बन जाती है, चाहे सॉलिड हो चाहे शेल हो, होलोस्फीयर हो, है ना। क्योंकि अपने पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में सारा मामला ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। और हाँ, और दूसरी बात करता हूँ पोटेंशियल की, तो अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। बाहर की तरफ पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। लेकिन सर अभी तो आपने बात करी थी कि सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल लिखा जाता है के क्यू बाय टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो आप बोल रहे हो के क्यू बाय कैपिटल आर बोल रहे हो, तो दोनों चीज़ें सही कैसे हो सकती हैं? उसमें सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है। बिल्कुल सही कि अपने, हाँ बिल्कुल सही कि हमने सॉलिड कंडक्टर पे अगर चार्ज दे भी दिया तो वो सरफेस पे गया, सरफेस गया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सरफेस पर, तो बिल्कुल वही हुआ है जो कि एक होलोस्फीयर का होता है, यानी कि के क्यू बाय कैपिटल आर बन जाएगा उसका पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। फिर फाइनली प्लेट, प्लेट का गेम खेला था हमने, तो प्लेट में हमने देखा था कि आमने सामने वाली सरफेस पे पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी क्या बन जाती है, सेम बन जाती है, ऑपोजिट बन जाती है, इक्वल एंड ऑपोजिट बन जाती है। और आउटर मोस्ट पर कितना आ जाता है, टोटल चार्ज बाय टू बन जाता है, आउटर मोस्ट की आउटर मोस्ट सर्फेस पर टोटल चार्ज बाय टू बन जाता है। तो इस प्रकार से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैंने आपको दे ही दिया एंड उसको करिएगा। बाकी मैंने, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज वन अब कर सकते हैं, मतलब तो सब कुछ ही कर सकते हैं।